सॉलिड्स में जो बॉन्डिंग पाई जाती है उनके बेसिस पर हम फाइव डिफरेंट क्लासेस में सॉलिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स वो सॉलिड्स हैं जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स नॉर्मली बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। दीज आर स्ट्रांग बॉन्ड्स, और स्ट्रांग होने के कारण इन तरह के सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये फेयरली हाई होता है। नॉर्मली ये बहुत ही हार्ड मटेरियल होते हैं, जैसे कि हमें पता भी है कि डायमंड इज हार्डेस्ट मटेरियल। और डायमंड में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। सेकेंड टाइप है आयनिक सॉलिड्स। अगर सॉलिड्स के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हों आयन्स हों, उस केस में जो बॉन्ड होगा सॉलिड्स के बीच में वो होगा आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड भी फेयरली स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग होने के कारण इस केस में ये जो सॉलिड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये भी हाई होता है। दिस इज हाई। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के टर्म में देखें तो आयनिक सॉलिड्स नॉर्मली सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, जबकि एक्वस मीडियम में और मोल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। जबकि यही कोवेलेंट सॉलिड नॉर्मली ये देखा गया है कि कोवेलेंट सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, या ये दीज आर इंसुलेटर्स। थर्ड कैटेगरी है मेटेलिक सॉलिड्स की। मेटेलिक सॉलिड्स के केस में मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, मेटेलिक बॉन्ड। और इसी मेटेलिक बॉन्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मेटल में शो होती है कि वो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इसमें डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी ये सब प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, और जितने भी मेटल्स होते हैं वो नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। मेटेलिक सॉलिड में जो मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है ये इसमें कुछ आयनिक टाइप प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ कोवेलेंट टाइप प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें जो जो सेल होता है मेजर सेल, जिसे हम कर्नल कहते हैं, वो हम ये कह सकते हैं कि कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है सभी कर्नल से एक दूसरे से। लेकिन यहीं पर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स देखें तो वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि आयनिक सॉलिड के केस में वो आयनाइज हो गया। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज हैं मेटेलिक सॉलिड की, ये इसे इलेक्ट्रिसिटी के का एक अच्छा कंडक्टर बनाते हैं। मॉलिकुलर सॉलिड्स वो सॉलिड्स हैं जिन जिनके कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस केस में ना तो एटम और ना ही आयन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके प्रॉपर्टीज के लिए। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो रिस्पॉन्सिबल है उस सॉलिड को फॉर्म करने में, और मॉलिक्यूल्स के बीच में नॉर्मली वीक फोर्सेस लाई करते हैं, और इन्हीं वीक फोर्सेस के कारण जो मॉलिकुलर सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लो। मॉलिकुलर सॉलिड्स भी इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली नहीं पाए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। फिफ्थ कैटेगरी है इनर्ट गैस सॉलिड की। अगर इनर्ट गैसेस को हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के हेल्प से सॉलिडिफाई कर दिया है तो जो सॉलिड बनेगा उसे हम कहते हैं इनर्ट गैस सॉलिड। ये इनर्ट गैस सॉलिड बहुत ही टर्बुलेंट और वाइब्रेटिंग नेचर का होता है, कि अगर प्रेशर रिलीज कर दिया है तो ये तेजी से अपने एटॉमिक स्टेट में फिर वापस आ जाते हैं। इन इन केसेज में भी मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वैन डेर वाल फोर्सेस पाए जाते हैं, और यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक्सट्रीमली लो होता है।
ये नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते।